ठीक है भाई, कल पिछली क्लास में हमने कुछ बुनियादी चीजें लॉगरिथम की स्टडी की थी। कुछ समझ में आई थी या नहीं? आज हम कुछ बुनियादी चीजें और स्टडी करके फिर हम आ जाते हैं सवालात के ऊपर। अच्छा, एक बात यूँ जहन में रखें कि अगर मैं आपसे कहूँ कि 10 की, ऐसे समझें कि मैं आपसे कहूँ 100, इसको मल्टीप्लाई करना है 1000 से, इसको मल्टीप्लाई करना है 1000 से। ये आपके पास एक नंबर है 100 और एक नंबर है 1000, इन दोनों को आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अगर मैं इसको सिंपल मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई होगा, 1 1 1 और सारे जीरो जमा हो जाएंगे। ठीक है, यानी 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा, जवाब क्या आ गया? 1, और 1 2 3 4 5 0 एक साथ आ गए। ये बन गया आपका तकरीबन 1 लाख। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको लॉग में जाके हल करना चाहते हैं, मैं अगर इसको कहूं लॉग 100 और लॉग 1000, सही है? तो यहां से जब लॉग 100 निकालूंगा तो 2 निकलेगा, यहां से 1000 का लॉग निकालूंगा तो क्या निकलेगा? 3। क्या इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा? अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो जवाब आता है 2 3 6, यानी ये पावर्स हैं, तो जवाब आ गया 10 की पावर 6, जबकि जवाब 10 की पावर 6 नहीं है, 10 की पावर क्या है? 5 है। इसका मतलब ये है कि जब आप किसी नंबर को जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं लॉग अप्लाई करते हैं, तो क्योंकि वो नंबर अब पावर में कन्वर्ट हो जाता है, 10 की पावर 2 है, ये क्या है? 10 की पावर। जब 10 की पावर 2 और 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर्स क्या होती हैं? ऐड होती हैं। ये समझ में आई? 5 आ गई, ये पावर आ गई। अब ये देखिए, ये बन रही है 10 की पावर 5। ये समझ में आ गई बात आपको? तो आम मैथमेटिक्स में जो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, जब उन्हें आप लॉग में ट्रांसफॉर्म करते हो तो वो चीजें मल्टीप्लाई नहीं होती बल्कि ऐड हो जाती है, क्योंकि वो कन्वर्ट हो जाती है 10 की पावर में। और जब 10 की पावर 2 एक जैसे बेस वाली चीजें मल्टीप्लाई हो रही थी तो उनकी पावर्स क्या होती हैं? जमा होती है। ये बात आप समझ में आ रही है? यानी आप नंबर्स को कन्वर्ट कर देते हैं 10 की पावर्स में, लिहाजा जो चीजें मल्टीप्लाई हो रही होंगी उनकी पावर्स मल्टीप्लाई नहीं होती है, उनकी पावर्स ऐड होती हैं। तो मल्टीपल हमेशा कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? ऐड में। ये बात समझ में आ गई? मिसाल के तौर पर हमारे पास ये लिखा हुआ हो 25 को मल्टीप्लाई करना है 40 से, सही है? जब मैं इस पे लॉग लगाऊंगा तो मैं ये नहीं लिखूंगा लॉग 25 मल्टीप्लाई, मैं लिखूंगा प्लस। क्यों लिखूंगा प्लस? इसलिए कि मैंने जैसी लॉग लगाई ये बन गई 10 की पावर, और पावरें आपस में ऐड होती हैं, और लॉग 40। ये बात आपकी समझ में आ गई? मल्टीपल वाली चीजें पर जब लॉग अप्लाई करते हैं तो वो मल्टीप्लाई नहीं होती है बल्कि वो प्लस हो जाती है। क्यों प्लस होती है? इसलिए कि वो पावर में कन्वर्ट हो चुकी होती है, और बेस अगर सेम हो, बेस तो सेम है ना, ये भी 10 का बेस है और ये भी 10 का बेस है, लिहाजा इनकी पावर्स क्या होंगी? जब अब ये पावर बन गई है, ये भी क्या बन गई है? तो 10 की पावर बन गई है, 10 की पावर हमेशा क्या होंगी? जमा होंगी। ये बात क्लियर हो गई? तो वो मल्टीप्लाई जो है वो लॉग में प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह अगर डिवीजन को आप देखें, जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास 1000 है, इसको आपको 100 से तकसीम करना हो, तो ये 1000 दरअसल क्या है? 10 की पावर 3 है, और 100 दरअसल क्या है? 10 की पावर 2 है। जब आप इसको काटेंगे तो बचेगा 10 की पावर 1। अच्छा, अगर मैं इस पर लॉग लगाऊं, आप देखिए लॉग जब कन्वर्ट होता है 10 की पावर में, तो यहां पावर ये 10 की पावर 2 प्लस का है, ऊपर जाएगा किसका हो जाएगा? 10 की पावर माइनस का 2। तो पावर्स क्या हो रही है? अब माइनस हो रही है। इसका मतलब ये दो चीजें अगर डिवाइड हो रही हो और आप उन दोनों चीजों को 10 की पावर में ट्रांसफॉर्म कर देंगे तो वो पावरें फिर डिवाइड नहीं हो रही होंगी, वो पावरें फिर माइनस हो रही होंगी। ये बात क्लियर हो रही है? ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ 25 को और 40 पर इस पे लॉग लगाना है, क्या लगाना है? तो जब आप लॉग लिखेंगे, लॉग 25
अब यहां क्या लगाएंगे, माइनस, क्योंकि ये क्या कर रहा है इसको, आप दरअसल लॉग लगाकर इसको भी 10 की पावर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं और इसको भी, तो 10 की पावर जब नीचे होती है तो ऊपर आके किस में हो जाती है, माइनस में। इसका मतलब पावर्स क्या होंगी, माइनस होंगी। तो 10 की पावर माइनस, अगर आप लॉग 40 लिख रहे हैं तो लॉग 25 डिवाइडेड बाय कन्वर्ट हो गया किस में, माइनस में। यहां से ये उसूल आपको जहन में रखना है कि अगर दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और आप उस पर क्या लगा रहे हैं, लॉग लगा रहे हैं, तो दरअसल लॉग लगा के आप उसे कन्वर्ट कर दे रहे हैं किस में, 10 की पावर में। तो जब 10 की पावर में वो कन्वर्ट हो रही है और मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर्स क्या होंगी, फिर एड होंगी। तो मल्टीप्लाई कन्वर्ट हो जाता है लॉग में आके प्लस में। इसी तरह दो चीजें अगर डिवाइड हो रही हैं और आप उस पर लॉग लगा रहे हैं तो लॉग उसको लगते के साथ ही उसको पावर में कन्वर्ट कर दे रहा है, 10 की पावर में। 10 की नीचे वाली पावर जब ऊपर जाती है तो पावर बन जाती है माइनस में। इसका मतलब पावर्स फिर माइनस होंगी, सही है। मल्टीप्लाई के अंदर पावर्स प्लस होती हैं और डिवाइड के अंदर पावर माइनस होती है। इसी तरह लॉग को जब मल्टीप्लाई पे लगाएंगे तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, लॉग को जब डिवाइड पे लगाएंगे तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई आपको? इसकी मिसाल मैं आपके सामने रखता हूं। अगर हम आपसे कहें तीन चीजें हैं, ये दो मल्टीप्लाई हो रही हैं और एक डिवाइड कर रही है, और हम कहें इसको लॉग के फॉर्म में लिखें, तो आप कैसे लिखेंगे, लॉग ए, ये मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, लॉग बी, और ये डिवाइड किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, लॉग सी। ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। ऐसी एक मिसाल और लीजिए, अगर मेरे पास लिखा हुआ हो ए मल्टीप्लाई बाय बी डिवाइडेड बाय सी मल्टीप्लाई बाय डी, यहां गलती करते हैं स्टूडेंट। मैंने लॉग लगाना है सब पे, क्या करूंगा, लॉग ए, ये मल्टीप्लाई है किसमें चेंज हो जाएगा, प्लस में, लॉग बी, फिर आप डिवाइड में आ गए तो माइनस लॉग सी, और ये क्या है मल्टीप्लाई, किसमें चेंज हो जाएगा, नहीं ये प्लस में चेंज नहीं होगा, असल में ये भी नीचे ही, ये भी डिवाइड ही कर रहा है, लिहाजा ये भी किसमें आएगा, माइनस में आएगा। ये बात आपकी समझ में आ गई? आप ऑपरेशन नहीं देख रहे हैं, आप नंबर देख रहे हैं कि वो नंबर क्या कर रहा है, ये वाला नंबर तो इससे मल्टीप्लाई कर रहा है, लेकिन ये वाला नंबर ऊपर वाले से क्या कर रहा है, डिवाइड। लिहाजा यहां माइनस किस लिए आया, क्योंकि डी जो है वो नीचे है, तो आप इस वाले मल्टीपल को नहीं देखेंगे, नीचे वाले को, जो भी चीज नीचे है चाहे वो मल्टीप्लाई कर रही हो, प्लस में तो खैर होगी नहीं, तो वो हम उसको माइनस में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि वो दरअसल डिवाइड कर रही है। ये बातें समझ में आ गई आपको? गुड। अब आप निकाल लीजिए अपने अपने लॉगरिथम के टेबल, और पहला सवाल हम करेंगे डॉक्यूमेंट में से। चौथे सवाल का डॉक्यूमेंट मैंने आपको दे दिया है, उसका पहला सवाल हम स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, x बराबर है, ये x है, इसकी वैल्यू निकालनी है 6.735 मल्टीप्लाई बाय 48.27 डिवाइडेड बाय 16.18 का स्क्वायर, ठीक है, ये है सवाल। चलें अब इस सवाल से पहले एक चीज और देख ले, यहां पावर भी आ गई है। अगर आपके पास लिखा हुआ हो 10 की पावर 5 या 10 की पावर 3, तो इसका लॉग क्या होगा, 3, इसका लॉग क्या होगा, समझ में आ रही बात। अगर इस पे लॉग लगाऊं और ये वाला 3 यहां लिखूं और लॉग 10 कर दूं, 10 का लॉग क्या होगा, 1, 10 की पावर क्या करेंगे, 10 आए, 10 की पावर 1, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 1 3। यहां ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि अगर आपके पास किसी नंबर पर पावर है और आप लॉग लगा रहे हैं, तो वो जो नंबर है, वो जो पावर है, वो आपके पास शुरू में मल्टीपल की फॉर्म में आ जाती है, ठीक है, क्योंकि दरअसल ये भी पावर है और आप इसको भी क्या बना रहे हैं, पावर, तो पावर के ऊपर पावर हो गई। आप जानते हैं पावर के ऊपर पावर और पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। ये बात समझ रहे, अब ये भी क्या है और आप लॉग लगा रहे हैं, इसको भी क्या बना रहे हैं, तो पावर के ऊपर क्या हो गई,
जब पावर के ऊपर पावर हो तो पावर्स आपस में क्या होती हैं, ये भी पावर है और ये भी आप क्या बनाने जा रहे हो, पावर बनाने जा रहे हो। तो पावर पावर के ऊपर होती है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है। तो इसका ये मेथड जहन में रखिएगा कि जिस चीज की पावर लगी हुई हो आप उस पावर को शुरू में मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई? नींद तो नहीं आ रही? आपको तो नहीं आ रही नींद? अच्छा, तो जब आपको सवाल दिया जाता है तो आप इस सवाल को सबसे पहले एक एक्स के फॉर्म में सपोज करते हैं कि इक्वल है एक्स के। असल में आपसे कहा गया इन सबको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके जवाब बताइए क्या आएगा। तो जवाब हमने फर्ज किया कि जवाब किसके बराबर है, एक्स के। ये बात समझ आ गई? अब हम एक्स की कीमत निकालेंगे लास्ट में और बोलेंगे भाई इस पूरे का जवाब ये है। इसको सिंपल कैलकुलेटर से भी आप हल कर सकते हैं। पहले 6.735 लिख के मल्टीप्लाई बाय 48.27 जो जवाब आए, फिर इसको इसके स्क्वायर से डिवाइड करना है, ठीक है। लेकिन हम क्योंकि लॉगरिथम का इस्तेमाल सीख रहे हैं इसलिए हम इसे इस्तेमाल करेंगे लॉग से। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों जानिब लॉग लगाते हैं। यहाँ पर भी लॉग अप्लाई किया और यहाँ पर भी लॉग अप्लाई किया। 6.735 मल्टीप्लाई बाय 48.27 डिवाइडेड बाय 16.18 का स्क्वायर, ठीक है। अभी हमने सिर्फ इस बात का इजहार किया है कि हम इस सवाल को हल करने के लिए लॉग ऑपरेटर को यूज कर रहे हैं। यहां तक हमने ये बताया अभी तक, सही है। लॉग ऑपरेटर यूज नहीं हुआ है, लॉग ऑपरेटर यूज करने का इजहार हो गया। अब लॉग एक्स ऐसी रहने दीजिए। अब यहां पर आप लॉग सब पर ऑपरेट करें, सब पर लगाइए। कैसे लगाएंगे, लॉग 6.735 मल्टीप्लाई चेंज हो गया किस में, प्लस में लॉग 48.27 ये डिवाइड में, लिहाजा चेंज हो गया किस में, माइनस में लॉग 16.18 का स्क्वायर। ये बात समझ आ गई आपको? तो अगले स्टेप में हमको सबके लॉग निकालने हैं, ठीक है। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, जीरो। क्यों, पॉइंट से पहले एक अदद है, एक में से एक माइनस करते हैं आप, एक में से एक गया, क्या आ गया, जीरो। 67 को तीन में देखिए, मीन डिफरेंस 5, बताइए। 67 को तीन में देखिए, मीन डिफरेंस 5। 67 को तीन में देखिए, क्या 8280 ये तो हो गया 67 को तीन में। पांच मीन डिफरेंस क्या है, 3। 3 8 2 3 8 2 8 3 यहां से इसका क्या निकला, 8283। यहां तक समझ में आ गई बात, प्लस का साइन। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या निकलेगा, 1। क्यों, दो अदद है, दो में से एक माइनस करा, 1। 48 को अब आप दो में देखिए, मीन डिफरेंस 7। 48 को दो में देखें क्या, 6830 और मीन डिफरेंस 7, 6। 6 इसको ऐड कर लीजिए, 6 3 8 6, तो आ गया जवाब 6 6 3 8 6। क्लियर हो गई बात, ठीक है। 6 8 3 6 6 8 3 6 माइनस का साइन ऐसे लिखा, ये आपको पता पावर है, इसको मैं कहां लिखूं, नीचे मल्टीप्लाई बाय। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या निकल रहा है, 1। इसलिए कि इसमें दो अदद हैं, दो में से एक गया, 1। 16 में देखें, मीन डिफरेंस 8, 2068। इसका मीन डिफरेंस देखिए 8, वो क्या होगा, 22। इसका मीन डिफरेंस लिख दिया 22। इसका जीरो हासिल लगे, 1 6 1 7 2 9 0 2 2090। ये बात क्लियर हो गई? अब ये आपके पास जो है वो सिंपल आपके पास स्टेटमेंट आ गई है जिसको आपे हल करना है। ये दोनों प्लस हो रहे हैं, ये पहले मल्टीप्लाई, हमेशा किसी भी सवाल में सबसे पहले मल्टीप्लाई होता है। तो मैं इसको ऐसे उतार लूं, 0.8
8283 प्लस 1.6836 मल्टीप्लाई बाय इसको इससे मल्टीप्लाई किया 200 टू नाइन जा 18 टू टू जा 4 टू वन जा 2। ये बात क्लियर हो गई। अब ये दोनों क्या हो रहे हैं ऐड और जो जवाब आएगा उसमें से इसको क्या करना है माइनस। तो पहले दोनों को ऐड कर रहे हैं, पहले दोनों को ऐड करें 0.8283 इसमें ऐड करेंगे किसको 1.6836 1.8636 छः और तीन नौ आठ और तीन ग्यारह दो और एक तीन और छः नौ आठ और आठ सोलह के छः हासिल लगा एक एक और एक दो तो ये गलत हो गया 1.6836 है 1.6836। अच्छा इसको अब ऐड कर लेते हैं तीन और छः नौ आठ और तीन ग्यारह के एक हासिल लगा एक आठ और तीन ग्यारह के एक हासिल लगा एक आठ और एक नौ नौ और छः पंद्रह के पाँच हासिल लगा एक एक और एक दो तो इसका जवाब क्या आ गया आपके पास 2.5119 माइनस 2.4180। अब हमें इसमें से इसको माइनस करना है ठीक है। तो मैं आ गया अब सवाल में बोर्ड पर इस तरफ, यानी हमारे पास जो सवाल था वो था लॉग एक्स बराबर है, अब इन दोनों को हमें क्या करना है माइनस। तो यहां माइनस करते हैं 2.5119 इसमें से माइनस करना है 0.814.2। 9 में से 0 गया 9, 11 में से 8 गया 3 और 10 में से 1 गया 9 और 4 में से 4 गया 0 और 2 में से 2 गया 0 तो जवाब आ गया। अच्छा दोनों में बड़ा कौन है प्लस वाला, तो जवाब भी किस में आएगा प्लस में 0.0939 0.0939। ये बात क्लियर हो गई। अब इसका हमें निकालना है एंटी लॉग, इसका निकालना है क्योंकि हमने इस सवाल पर पहले लॉग लगाया इनको पावर्स में कन्वर्ट कर दिया, पावर्स को हल करा, ये पावर की फॉर्म आ गई, ये 10 की पावर है ये, यानी जो जवाब आया वो है 10 की पावर 0.0939। अब ये क्या बनती है वैल्यू इसकी, ये हम एंटी लॉग से निकालते हैं। एंटी लॉग निकालने के लिए आप लिखते हैं ऐसे टेकिंग एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग, जब आप एंटी लॉग लेते हैं तो ये लॉग खत्म हो जाता है, एक्स बराबर है, इसको छोड़ दीजिए आप 0.09 को 3 में देखिए मीन डिफरेंस 9, 0.09 को 3 में देखिए 1239 तो ये आ गया 1239 और मीन डिफरेंस है इसका 9, 3 इसमें ऐड कर लो 9 और 3 12 के तो हासिल लगे एक 3 और 1 4 2 1 ये आ गया 1242 1242। ये जो आपने छोड़ा है इसमें एक जमा करते हैं, जीरो में एक जमा करेंगे जवाब क्या आएगा एक, एक के बाद आश्चर्य लगाएं तो आपके पास जो जवाब आया वो आया x इज इक्वल टू 1.242। आइए इसको चेक कर लेते हैं कि ये जवाब सही है या जवाब सही नहीं है। तो मैं पहले इसको हल करूं 6.735 को मल्टीप्लाई करना है किससे 48.27 से और जो जवाब आएगा उसको डिवाइड करना है किससे 16.18 की पावर 2 से। तो जवाब मेरे पास आ गया 1.2418 1.241 तकरीबन, बिल्कुल सही है, उसको उतार लीजिए, इसको ऑफ कीजिएगा बेटे। क्वेश्चन नंबर टू हम करने जा रहे हैं 431.5 मल्टीप्लाई बाय 1.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट, इसका इंडेक्स 3 है 36.98।
36.98, ये हमारे पास सवाल है, ठीक है, इसे हल करना है हमें। अब ठीक है जी, तो सबसे पहले इसे हमने x सपोज कर लिया और दोनों तरफ क्या लगा दिया, log x इज इक्वल टू log, और इसको हम पावर्स की फॉर्म में लिख ले रहे हैं। ये कौन सी पावर है, 431.5 की पावर हाफ, ऐसे ही है ना, मल्टीप्लाई बाय, इसको भी ये पावर में पहले ही लिखा है 1.2 की पावर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसको क्या लिख सकते हैं, 36.98 की पावर 1/3, ठीक है ना। ये हमने लॉग दोनों तरफ अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब हम इसको खोलेंगे, लॉग एक्स, लॉग एक्स हमने ऐसे लिखा, लॉग के साथ ये 431.5 1/2, ये मल्टीप्लाई है, इसको किस में कन्वर्ट कर दे, प्लस में, लॉग 1.2 की पावर 2, और ये डिवाइड है, इसको किस में कन्वर्ट कर दे, माइनस में, लॉग 36.98 की पावर 1/3, ठीक है। अब हम हल करते हैं लॉग को, 1/2 हमने ऐसे लिखा, ठीक है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या निकलेगा, पॉइंट के बाद 3 अदद है, 2, ठीक है। चलिए देखिए, 43 को 1 में देखें, मीन डिफरेंस 5, 43 को 1 में देखें, मीन डिफरेंस 6, 3, 4, 5, इसका मीन डिफरेंस देखिए 5, 5 है तो 5 इसमें ऐड कर लीजिए, 5 5 10 का 0 हासिल लगे, 5 3 6, 6 3 5 0, 6 3 5 0, ये बात क्लियर हो गई। प्लस प्लस ये वाला 2 कहाँ आ गया, नीचे, ठीक है। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या निकलेगा, 1 सॉरी 0, ठीक है, क्योंकि आशारी से पहले कितना था, एक था, एक में से एक गया 0। अब ये क्या बना, 12 बन गया, 12 को 0 में देखो, 2 को अगले तीसरे में देखते ना, 0 7 9 2 माइनस ये 1/3 नीचे आ गया, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, 1। 36 को 9 में देखो, मीन डिफरेंस 8, 36 को 9 में देखिए, 5 6 7 0, मीन डिफरेंस 8 10, तो ये हो गया 0 8 6 5, यानी 5 6 8 0, 5 6 8 0, यहां तक समझ में आ गई बात। अच्छा, अब ये सब डिवाइड हो रहे हैं, ये डिवाइड हो रहा है 2 से, ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये 3 से डिवाइड हो रहा है, सही है। तो कैलकुलेटर यूज करें या ऐसे काट लें, 2 से 1 कटा, 2 ही कम 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 15 हो गया, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, ये समझ में आ गई बात। 2 से हमने इसको डिवाइड कर लिया, अच्छा 2 से ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 7 जा 15, 2 0 0, ये बात क्लियर हो गई। माइनस अब 3 से इसको डिवाइड कीजिए, पॉइंट लगाया, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, फिर 3 2 जा 6, 2 बचे 20 बन गया, फिर 3 6 जा 18, तकरीबन 0.5226, ये बात क्लियर हो गया। अब ये दोनों क्या होंगे, ऐड होंगे, और उसके जवाब में से इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारे पास अब जो log x बराबर होगा, पहले मैं इन दोनों को क्या कर रहा हूँ, ऐड, ठीक है, ऐड कैसे करेंगे, यही कर लेते हैं, ऊपर ही जो जगह बनाई हुई हमने, पहले दोनों को ऐड करते हैं, 1.31751.3175 में ऐड करना है 0.1584, 0.1584, इसको पहले ऐड कर लीजिए, 5 और 4 कितने हो गए, 9, 7 और 8 हो गए 15 के 5 हासिल लगा 1, और ये 7, और 3 और 1 4, और ये 1,
अब इसमें से इसको माइनस करना है, 0.5226, 5226, 9 में से 6 गया 3, 5 में से 2 गया 3, 7 में से 2 गया 5, 14 में से 5 गया 9, तो जवाब क्या आ गया, 0.09533। ठीक है, अब इसका क्या निकालेंगे, एंटीलॉग, तो लिख रहे हम टेकिंग एंटी लॉग। अच्छा, एंटी लॉग लेंगे तो ये तो एक्स आ गया, इसका ये पॉइंट से पहले तो छोड़ दें, 0.95 को 3 में देखिए, मीन डिफरेंस 3, 9791। बोले पहला क्या है, 8974, फिर देख लें दोबारा से सब लोग, 95 को 3 में देखना है, और मीन डिफरेंस 3 में क्या आ रहा है, 6, 6 इसमें ऐड कर लो, 10, 8, 9, 8, तो जवाब आ गया 8980। अच्छा, ये क्या है, 0, 0 में एक जमा करेंगे, 1, 1 के बाद अशारिया, यानी जवाब क्या आएगा, x बराबर है 8.980। उतार लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है, 85.7 मल्टीप्लाई बाय 2.47 डिवाइडेड बाय 8.89। वो पिछला सवाल हमने चेक तो किया नहीं कि सही आया या गलत आया, आप चेक कर लीजिएगा ऐसे, ठीक है, या किताब के अंदर जो है वो अगर सवाल दिया हुआ है तो उसका जवाब जाके चेक कर लीजिएगा, अगर नहीं आया तो फिर मुझे बताइएगा, बल्कि देख लें आप अभी, मैं जब तक इसको थोड़ा लॉग के फॉर्म में लिखता हूँ, लॉग एक्स बराबर है लॉग 85.7 2.47 डिवाइडेड बाय 8.89। ये हमने पहले लॉग इम्प्लीमेंट किया, अब लॉग अप्लाई कर रहे हैं इस पे, लॉग 85.7 प्लस लॉग 2.47, और ये डिवाइड कर रहा है, ये क्या हो जाएगा, माइनस लॉग 8.89। क्लियर, अब हमें से हल करना है, लॉग की वैल्यूज निकालनी है, पॉइंट से पहले 2 अदद है, कैरेक्टरिस्टिक क्या बनेगा, 1, 85 को 7 में देखिए, 85 को 7 में, 93, 9330। उसके बाद आगे गए, यहां पॉइंट के बाद एक अदद है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या निकलेगा, 0, 24 को 7 में देखिए, 3927 माइनस, पॉइंट से पहले एक अदद है, एक में से एक गया 0, 88 को 9 में देखिए, 9489। ठीक है, वेरी गुड, अब ये दोनों ऐड हो रहे हैं, इनको ऐड यहां कर लेते हैं रफ में, 1.9330 को ऊपर लिखा और 0.3927 को नीचे लिखा, 2.3257 माइनस का 0.9489। ठीक है, अच्छा, अब इसमें से इसको माइनस करें, मैं इसकी को नीचे लिख दे रहा हूं 0.9489, 17 में से 9 हो गया 6, 14 में से 8 गया 6, 11 में से 5 4 गया 7, 12 में से 9 हो गया 3 और 1, 1.3766, ये आ गया आपके पास क्या, log x, अब क्या निकालना है, एंटी लॉग, क्या निकालना है, अब एंटी लॉग, ठीक है जनाब, निकालते हैं एंटी लॉग,
तो जब आप एंटीलॉग निकालेंगे, टेकिंग एंटीलॉग, ठीक है, तो जब आप एंटीलॉग लेंगे तो ये बचेगा x। अच्छा एंटीलॉग में आपको पता, पॉइंट से पहले वाले को छोड़कर 0.37 को 6 में देखिए, थ्री टू एंटीलॉग में देखना है, पॉइंट 37 को 6 में, 2377, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, चलिए 2377 में इसका मीन डिफरेंस है 6, सही। अच्छा उसके बाद इसको मीन डिफरेंस 6 बताएं क्या है, 3, 7 और 3 10 का 0 हासिल लगे, 1 7 और 1 8 3 2, 2380 जवाब क्या आ गया, 2 3, इसमें ये 1 है, 1 में आपको 1 जमा करना पड़ेगा, 1 और 1 सीधे हाथ से 2 के बाद पॉइंट, अगर ये प्लस में होता तो उस तरफ जाते, अगर माइनस में होता तो इस तरफ जाते, 0 लगाते फिर। अब इसको चेक करते हैं कि ये सही है या गलत है, ठीक है, 85.7 मल्टीप्लाई बाय 2.47 डिवाइडेड बाय 8.89, इसका जवाब मेरे पास आ रहा है 23.81, 23.80 लगभग। चलिए उतारिए इसे, ये मिटा दूं, ऑन है कैमरा, तो अब देखिए आपको ये सवाल आ गया, क्वेश्चन नंबर 4, तो सबसे पहले लॉग लगाएंगे, एटी सिक्स पॉइंट टू का होल स्क्वायर इंटू 37.37 डिवाइडेड बाय 591, ये लॉग हमने ऑपरेटर लगा दिया है, अब इस लॉग को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, लॉग 86.2 का स्क्वायर प्लस लॉग 37.37 और माइनस लॉग 591, ठीक है, आपको पता है इसका स्क्वायर है तो ये शुरू में आ जाएगा, पॉइंट से पहले 2 अदद है, कैरेक्टरिस्टिक क्या निकलेगा 1, 86 को 2 में देखिए 9350, 9355, 2 में देखना था, आपने 1 में देख लिया। अच्छा प्लस का साइन ऐसी, 37 को 3 में देखिए, मीन डिफरेंस 7, 5717, मीन डिफरेंस 7, 8 है, 8 और 7 15 के 5 हासिल लगे, 1 2 7 5, ठीक है, 5725, 5 7, इसका हमने कैरेक्टरिस्टिक तो लिया नहीं, क्या होगा 1 1.5725 माइनस, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, नहीं इसमें 3 अदद है इशारे से पहले, इसका 2 होगा, 59 में देखिए, 0 में नहीं देखना 1 में देखना है, 7716, अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 5s are 10, 2 5s are 10 11, 2 3s are 6 7, 2 9s are 18, 2 1s are 2 1 3, ये ऐसी उतार लीजिए, प्लस का 1.5725 माइनस का 2.7716, ये दोनों ऐड हो रहे हैं, 3.8710, 3.8710 और 1.5725,
1.5725, दोनों ऐड हो रहे हैं, 5 3 7 7 14, 8 और 1 9 5 14 की 4 हासिल लगा 1 5, ये आ गया 5.4435 माइनस 2.7716। अब इसमें से इसको माइनस करना है, 2.7716 15 में से 6 गया 9, 2 में से 1 गया 1, 14 में से 7 गया 7, 13 में से 7 गया 6 और 4 में से 2 गया 2। जवाब आपके पास क्या गया, 2.6719। ठीक है, तो अब आपके पास आखिर में क्या बचा, log x बराबर है 0.6719। अब आपको क्या निकालना, एंटी लॉग। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, एंटी लॉग। तो मैंने यहाँ लिखा है एंटी लॉग, इसमें ये वाला x ऐसे आ गया, इस 2 को छोड़ दीजिए, 0.67 को 1 में देखिए, 4688 और मीन डिफरेंस 9 है, 10, तो 8964 4698 4698। ये क्या लिखा हुआ है, 2 2 1 को ऐड करेंगे, 3 3 के बाद आश्चर्य लगाना, 1 2 3, ये जवाब है। आप बता रही है, मैं इसको चेक करता हूँ ये सही है या गलत है। एटी सिक्स पॉइंट टू का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 37.37, गलत हो गया, 37.37 और डिवाइडेड बाय 5.91 4.69.8। ठीक है, गुड, सही हुआ ये सवाल भी। ऑफ कर दें सर, पांचवा सवाल करने जा रहे। ठीक है, सवाल बहुत एहतियात से देखिएगा, क्योंकि ये इसमें आपके पास कैरेक्टरिस्टिक माइनस में आएगा, ये भी बता दूं। चलें, तो सबसे पहले हम दोनों तरफ लॉग ऑपरेटर लगा रहे हैं, 0.87 डिवाइडेड बाय 28.9 मल्टीप्लाई बाय 0.785। ठीक है, अब लॉग अप्लाई कर रहे हैं, तो पहला बना लॉग 0.87, ये क्योंकि डिवाइड में है, माइनस लॉग 28.9, ये भी डिवाइड में है, माइनस लॉग 0.785। बहुत तवज्जो और ध्यान से आपको देखना है, और पुरानी बात जो बताई गई है वो याद रखनी है, वो इम्प्लीमेंट हो रही है सारी। अब यहाँ आप देख रहे हैं, पॉइंट से पहले जीरो है, इसका कैरेक्टरिस्टिक माइनस वन निकलेगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 87 को जीरो में देखिए, 9.2 9.3 9.5, क्लियर, माइनस का साइन। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या निकल रहा है, 1। 28 को 9 में देखें, कुछ भी कर लें आप उजाला से तेज नहीं देख सकते, 4609। उजाला जो चश्मा लगा हुआ है वो बहुत जल्दी देखती है, 4609। अच्छा ठीक है, नहीं अभी इसको देखें, थोड़ा तवज्जो वाला सवाल है। उसके बाद ये माइनस का साइन ऐसे लगा दिया, ठीक है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या निकल रहा है, माइनस का 1। मैंने यहाँ ब्रैकेट क्यों डाली, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, ये ऑपरेशन का माइनस है और ये इसके कैरेक्टरिस्टिक का माइनस है। अगर मैं ब्रैकेट नहीं डालूंगा तो अजीब सा लगेगा, या तो इसको उठा के मुझे ऊपर लगा देना चाहिए बार की शक्ल में, लेकिन हम इसको इसी तरह से ऑपरेट करते हैं। पॉइंट 78 को 5 में देखिए, 8954,
8954 8949 दोबारा देखें 8949 ठीक गुड ओके। अच्छा अब आप ये बात जानते हैं कि ये जो वैल्यू निकली है, हमने ये बात पढ़ी थी कि अगर कैरेक्टरिस्टिक माइनस में हो तो जो आप वैल्यू टेबल से निकालते वो रियल वैल्यू नहीं होती। इसी तरीके से ये भी रियल वैल्यू नहीं है, ना ये रियल वैल्यू है ना ये रियल वैल्यू है। तो अब आपको एक ऑपरेशन करना होगा इसको रियल वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए। कैसे? आप इसको लिखोगे माइनस का वन ऐसे ही प्लस 0.9395। ये बात क्लियर हो गई आपको? अच्छा ये क्योंकि रियल वैल्यू है इसको फिलहाल हमने ऐसी रहने दिया 1.4609। ठीक है, माइनस का साइन ऐसे डाला, इसके साथ भी यही करना है, माइनस वन अलग प्लस 0.8949। ये बात समझ आ गई? तो मैं इसको हल कर रहा हूं, एक में से माइनस करूंगा किसको, 0.9395 को, 0.9395 को। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 9 गया 0 और 0 में से 0 गया 0, माइनस का बचा। माइनस का क्यों बचा? दोनों में बड़ा कौन है? 1 बड़ा है। जो बड़ा होता है जवाब में, जवाब की में उसी की साइन आती है, तो बचा 0.0605। माइनस ये वाली चीज ऐसी रहने दी 1.4609। ठीक है, माइनस इसको भी हल कर लीजिए, यानी माइनस ये 1.0000 में से इसको माइनस करना है 0.8949। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 8 गया 1 और ये बचा 0। क्योंकि ये बड़ा है माइनस का 1, लिहाजा इसका जवाब भी किस में आएगा? माइनस में, माइनस 0.1051। यहां तक समझ में आ गई? अब इसके अंदर ये वाला माइनस से ब्रैकेट खुल रहा है, तो मैंने लिखा माइनस का 0.0605, माइनस का 1.4609। ये सब बराबर चल रहा है किसके? लॉग एक्स के। और ये माइनस को मल्टीप्लाई करूंगा माइनस माइनस प्लस, समझ में आ गई बात? 0.1051 एक जैसी साइन मल्टीप्लाई होके प्लस देती है, ये बात यूं याद रख लें। अब क्या हो रहा है नीचे? इन दोनों की साइन क्योंकि सेम है, ये दोनों ऐड होंगे, और उसके साइन क्योंकि मुख्तलिफ है वो माइनस होगा। तो मैं इन दोनों को पहले ऐड कर रहा हूं, 0.06 0.0605 0.5, उसमें ऐड कर रहे हैं 1.4609। तवज्जो रखें, सवाल किसी वक्त भी आपके हाथ से निकल सकता है। 9 और 5 14 के 4 हासिल लगा 1, 6 और 6 12 के 2 हासिल लगा 1, 5 और ये 1। ये माइनस में आया ना दोनों, क्योंकि साइन क्या है दोनों की, और ये वाला प्लस में रख रहा हूं मैं प्लस करने के लिए 0.1051। अब हम इसको ऐड करें, 4 में से 1 गया, सॉरी माइनस करें क्योंकि दोनों की साइन मुख्तलिफ है, 4 में से 1 गया 3 और 11 में से 5 गया 6 और 1 बचा और 5 में से 1 गया 4 और 1 में से 0 गया, ये माइनस का बचा। ठीक है, ये मिटा दूं तो हमारे पास जो अब लॉग एक्स आया वो ये आ गया, लॉग एक्स बराबर है माइनस का 1.4163। आपको याद है माइनस में एंटी लॉग नहीं निकालते, अगर आपको वैल्यू किसमें दी जाए माइनस में आ जाए तो आप उसका एंटी लॉग नहीं निकालते, क्या करते हैं? एक उसमें प्लस करते हैं, एक उसमें माइनस करते हैं। ठीक है, तो आपने ये लिखा लॉग एक्स बराबर है माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1 और प्लस माइनस का ये 0.4163। ये समझ में आई बात? ये माइनस में क्यों लिखा ये समझ में आई? इसलिए कि पूरी वैल्यू माइनस में है, तो ये माइनस अलग हो गया और ये माइनस का 0 पॉइंट ये अलग हो गया। अच्छा ये दोनों इसमें क्या है?
एक जैसे इनको जमा कर लीजिए माइनस का टू, और ये माइनस हो रहे हैं, ये प्लस वन और ये क्या हो रहा है माइनस हो रहा है। एक में से निकालना है किसको, एक में से 1.000 में से निकालना है 0.4163 तो 10 में से 3 गया 7, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 4 गया 5 और ये बचा 0, तो बचा 0.5837 0.5837। ये बात समझ में आ गई। अब यहां से इसका क्या निकालेंगे, एंटीलॉग। तो एंटीलॉग निकाल रहे हैं, इस माइनस टू को छोड़ दीजिए, 0.58 को 3 में देखिए, मीन डिफरेंस 7, 0.58 को 3828, इसका मीन डिफरेंस देखिए 7, 6, इसमें जमा करा मैंने 8 और 6 14 के 4 हासिल लगे 1, 3, 8, 3, 3, 8, 3, 4, क्या जवाब आ गया 3834। अच्छा अब रुकिएगा जरा, ये क्या लिखा हुआ है, माइनस टू में एक जमा करें, क्या आया माइनस वन। माइनस टू में जब आप एक जमा करेंगे तो जवाब क्या आएगा, माइनस का वन। माइनस का वन क्या कह रहा है, यहां जाऊं या यहां जाऊं, इधर, तो एक जीरो लगा के समझ में आई, पॉइंट लगा देंगे, ये आ गया एक्स का जवाब। हमारे ख्याल में ये जवाब है। अब हम इसको चेक करते हैं कैलकुलेटर से कि आया ये सही है या गलत है। तो हमने लिखा 0.87 डिवाइडेड बाय 28.9 डिवाइडेड बाय 0.785 कैलकुलेटर जवाब दे रहा 0.0383 वेल डन, जबरदस्त, उतार लीजिए, इसको बंद कर दें।